Get your ticket to your dream career. Join IIMT University, which offers courses in engineering, pharmacy, law, management, mass communication, hospitality management, nursing and paramedical and other professional courses. O Pocket Ganganagar, Mavana Road, Meerut. Black fungus, yani mucormycosis, बहुत तेजी से देश में पांव पसार रहा है। मुख्यतः इस फंगस का वो लोग ज्यादातर निशाना बन रहे हैं जो कोरोना वायरस को हरा कर घर लौटे हैं, लेकिन वह मधुमेह यानी शुगर के मरीज हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नाक के रास्ते अपनी जड़ें जमाने वाले इस वायरस का सीधा असर आंख की रोशनी जाने के साथ ही जबड़े तक को निकालने की नौबत आ जाने तक पर पड़ता है। तेजी से बढ़ते इस नए खतरे से निपटने के लिए राजस्थान सरकार ने इसे जहां महामारी घोषित कर दिया है, वहीं दिल्ली में भी ब्लैक फंगस कहर बनकर टूटा है। सर गंगाराम अस्पताल में सबसे अधिक 40 केस, मैक्स में 25, एम्स में करीब 20 व मूलचंद में एक केस सामने आ चुका है। यूपी के मेरठ में भी जिस कोरोना संक्रमित 37 वर्षीय मरीज को मूलचंद में भर्ती कराया गया था, उसे भी नहीं बचाया जा सका है। इस बीच राजस्थान सरकार ने कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों के सामने आ रहे म्यूकरमाइकोसिस रोग को बुधवार को महामारी घोषित कर दिया। राज्य के चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग ने इस बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी है। यूपी के मेरठ में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 42 हो गई है, जबकि 3 संक्रमित लोगों को बचाया नहीं जा सका। देर रात भी 8 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई थी। इन मरीजों में मेरठ के अलावा हापुड़, बुलंदशहर, गाजियाबाद, शामली, मुरादनगर के संक्रमित भी शामिल हैं। मेरठ मेडिकल कॉलेज को इसके इलाज के लिए 66 इंजेक्शन ही प्राप्त हुए हैं। ब्लैक फंगस लोगों में क्यों बढ़ रहा है, कौन लोग इसके ज्यादा निशाने पर आ रहे हैं और इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, इस बारे में मेरठ के CMO डॉक्टर अखिलेश मोहन ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी। ब्लैक फंगस को लेके हमारे जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज में और बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर कुल मिलाकर 42 मरीज भर्ती हैं और 3 लोगों की मृत्यु हुई है। यहाँ पे अलग अड़ोस पड़ोस के जो जिले हैं वहाँ से भी पेशेंट रेफर होके आए हुए हैं, जैसे मुरादाबाद से भी हैं पेशेंट, बड़ौत से हैं, मुजफ्फरनगर से हैं, सहारनपुर से हैं, तो कुल मिला के हमारे मरीजों की संख्या 42 है। सर, किस तरीके से यह फंगस बढ़ रहा है और कितना बड़े चुनौती का सामना करना पड़ेगा? लोगों ने स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइंस जारी की हुई हैं, क्या क्या विशेष ध्यान रखना है, तो मेरे लगता है कि बहुत अब कंट्रोल होना शुरू हो रहा है और ज़्यादा केसेस बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि ये अनकंट्रोल्ड यूज़ ऑफ स्टेरॉइड की वजह से, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की वजह से और जो हाइजीन था पाइप्स और ट्यूब्स का वेंटिलेटर आदि के अंदर, उसकी वजह से हुआ था। गाइडलाइंस जारी हो गई हैं, लोगों को बता दिया गया है, तो अब मेरे को लगता है कंट्रोल हो जाएगा। सर, कोरोना को लेकर क्या अपडेट है अब तक की? कोरोना के अंदर हमारे एक्टिव जो होम एक्टिव केसेस थे वो हमारे यहाँ करीब 15,000 के करीब थे, जो कि हमारे यहाँ जो मेन ऑपरेटर्स हैं, डेटा ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि इस समय स्वास्थ्य विभाग में जो काम कर रहे हैं अलग अलग चीज से लोग, वो भी काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो चुके हैं, तो डेटा जो था वो पूरा अपडेट नहीं हो पा रहा था, तो इस वजह से डेटा धीरे धीरे एक बार अपडेट होना शुरू हुआ है, तो इसकी वजह से ही एक्टिव जो केसेस हैं हमारे कम हुए हैं, 9,000-10,000 के नीचे आ गए हैं। और जिस तरीके से केसेस बढ़े थे हमारे, 2,000 एक दिन में बढ़ रहे थे, 15,000 एक दिन में बढ़ रहे थे, 2,000 आधा तो बढ़ रहे थे, अब उतनी तेज़ी से ही ये एक्टिव केसेस आने वाले दिनों में कम होंगे, क्योंकि होम आइसोलेशन में 10 दिन बाद और 5 दिन बाद होम क्वारंटाइन से जैसे जैसे लोग निकलेंगे उतनी तेजी से ये एक्टिव केसेस कम होने शुरू हो जाएंगे। इस खबर में आज इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।